अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन कॉर्नर। आज हम इस वीडियो में ये टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, सेंटेंस, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, जंबल्ड वर्ड्स। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उस पर क्लिक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए स्टूडेंट्स, जब भी हम कुछ बोलते हैं या लिखते हैं तो हम लफ्ज़ों का मतलब वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और जब हम इन वर्ड्स को एक साथ लिखेंगे या बोलेंगे तो इन वर्ड्स का कुछ मतलब निकलेगा, ठीक है। तो उसी को हम सेंटेंस कहते हैं। एग्जांपल ले लीजिए, मैंने कहा नेहा राइट्स वेल, तो इसमें हमने तीन वर्ड्स लिए हैं, नेहा राइट्स और वेल को, ठीक है। तो तीनों ने मिलके कुछ मतलब बनाया। क्या बनाया? कि नेहा अच्छा लिखती है। तो इसको हम सेंटेंस कहेंगे क्योंकि इन वर्ड्स का कुछ मतलब बन रहा है, ठीक है। चलिए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। नेहा राइट्स विद पेन, नेहा पेन से लिखती है। तो इसमें हम फिर से चार वर्ड्स को एक साथ लिखा है और इन वर्ड्स ने मिलके एक मतलब बनाया, तो इसको भी हम सेंटेंस कहेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, नेहा गोज़ टू कॉलेज। तो इसमें फिर से चार वर्ड्स ने मिलकर एक सेंटेंस बनाया है। तो इसकी डेफिनेशन ये होगी कि ए सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। क्या होता है सेंटेंस? एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसमें बहुत सारे वर्ड्स मिलके कोई मतलब दें, ठीक है, एक कंप्लीट कोई समझ दें हमें कि ये बोल क्या रहा है, तो उसको आप क्या बोलेंगे? सेंटेंस बोलेंगे। इसमें आपको दो बातें हमेशा याद रखनी हैं कि एक सेंटेंस जो होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और इसका एंड जो है वो हमेशा फुल स्टॉप पे होता है। आप इन एग्जांपल्स को देखिए, इनमें हर सेंटेंस कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ है और एंड इन सभी का फुल स्टॉप पे हुआ है। जंबल्ड वर्ड्स, ये भी एक ग्रुप ही होता है वर्ड्स का, लेकिन इसमें जो वर्ड्स लिखे हुए होते हैं वो एक प्रॉपर ऑर्डर में नहीं होते, तो इनको हम सेंटेंस नहीं कह सकते बिकॉज इनका कोई सेंस ही नहीं बनता, इनका कोई मतलब ही नहीं बनता। तो ऐसे वर्ड्स को हम जंबल वर्ड्स कहते हैं। एग्जांपल ले लीजिए, स्पिट डाउन द फ्लोर ऑन बर्ड्स मैनी, हाउ देयर आर पिक्चर इन द प्रिया विद पेन राइट्स। तो इन एग्जांपल्स में वर्ड्स जो हैं वो एक प्रॉपर ऑर्डर में नहीं लिखे हैं, वर्ड्स इनमें आगे पीछे लिखे हुए हैं, तो इनका कोई मतलब ही नहीं बनता। तो ऐसे वर्ड्स को हम जंबल वर्ड्स कहते हैं। हर सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, एक उसमें सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट। सब्जेक्ट, अब ये सब्जेक्ट क्या होता है? ये एक सेंटेंस का वो हिस्सा होता है जिसमें हम एक शख्स या चीज़ के बारे में बोल रहे होते हैं। प्रेडिकेट, ये एक सेंटेंस का वो हिस्सा होता है जो हमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को एग्जांपल से अच्छे से समझते हैं। तो पहले एग्जांपल में नेहा राइट्स वेल, तो इसमें नेहा जो है वो सब्जेक्ट है क्योंकि जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं उसको सब्जेक्ट कहते हैं और जो बात हम उसके बारे में बोलेंगे उसको प्रेडिकेट कहते हैं। तो इस एग्जांपल में नेहा सब्जेक्ट है और जो फिर हमने इसके बारे में आगे बोला है वो प्रेडिकेट है। अगले एग्जांपल में नेहा राइट्स विद पेन, नेहा पेन से लिखती है। तो जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं उसको सब्जेक्ट कहते हैं। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे? नेहा के बारे में कर रहे हैं। तो नेहा क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट। और उसके बारे में हमने क्या बोला आगे? कि राइट्स विद पेन। तो राइट्स विद पेन क्या आएगा? प्रेडिकेट। अगली एग्जांपल देखते हैं, नेहा गोज़ टू कॉलेज, ठीक है। तो यहाँ पर हमने नेहा के बारे में क्या बोला? कि वो कॉलेज जाती है। तो किसके बारे में हमने बोला? नेहा के बारे में। तो नेहा क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट। और कहाँ जा रही है? कॉलेज जा रही है। तो ये गोज़ टू कॉलेज क्या आएगा? प्रेडिकेट। प्रिया इज गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रिया की कर रहे हैं। तो प्रिया क्या आएगा यहाँ पे? सब्जेक्ट। और उसके बारे में हम क्या बता रहे हैं? इज गोइंग टू स्कूल, कि वो स्कूल जा रही है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या आएगा? प्रिया। इज गोइंग टू स्कूल क्या आएगा? प्रेडिकेट। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। इसमें हमने सेंटेंस, जंबल वर्ड्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट डिस्कस किया।
तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।